कक्षा 10 यूपी बोर्ड। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे अध्याय 10 वृत्त। वैसे तो वृत्त को हम लोग 9th में भी पढ़े हैं और चैप्टर के रूप में यहाँ भी दिया है वृत्त, लेकिन अगर आप ओल्ड बुक में जाएंगे, पुरानी बुक में जाएंगे, तो ये चैप्टर एक्चुअली में वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त तो आप पहले पढ़ चुके हैं, यह चैप्टर का नाम दिया है सर्किल, लेकिन इसमें जो मैटर वो वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। तो थोड़ा सा देखा जाए, पुराने पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा हम चलते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो वृत्त की बात किया है, यहाँ से देखें वृत्त, हमने क्या कहा, वृत्त और स्पर्श रेखा, ये हमने कहा टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। तो वृत्त और रेखा के बीच में क्या संबंध हो सकता है, इसको हम लोग आज यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पहले तो आपने देखा, जैसे वृत्त की बात ले लीजिए, तो आपको वृत्त की का डिफिनेशन दिया गया, किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी के चारों तरफ अनंत बिंदुओं के को मिलाने से जो भी आकृति बनती है वो वृत्त कहलाती है। अभी हमने कहा किसी समतल पर, जैसे ये आपका बोर्ड समतल आपने ले लिया, इस समतल पर आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, एक निश्चित दूरी ले लिया यहाँ से इस तरह से। अब इस निश्चित दूरी के परिधान, अगर आप इस निश्चित दूरी के चारों तरफ आप इस प्रकार से असंख्य बिंदु लें, यहाँ देखिए इस तरह से अगर आप लेकर के देखें, तो यहां से आपको मिल क्या रहा है, अगर ध्यान से देखें तो देखिए हमने क्या कहा, या देखिए असंख्य बिंदुओं, ये असंख्य बिंदु है, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स डिस्टेंस है। यहां से आपने इसके चारों तरफ समतल पर असंख्य बिंदु लिया है, इन असंख्य बिंदुओं को अगर आप मिलाएं, तो हमने पहले कहा मिलाने से अगर आप देखें तो जो भी आकृति आपके लिए बन रही है वो क्या है, एक सर्किल। सर्किल का एक डायमीटर परिधि है या का रेडिएशन है, और ये इसका क्या है, सेंटर। तो यहां से हम वृत्त की तरफ फिर नहीं जाना चाहते, आपको हमने डिफिनेशन दिया कि किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी के चारों तरफ असंख्य बिंदुओं को मिलाने से जो भी आकार बनता है, जो भी आकृति बनती है वो सर्किल कहलाती है। ये तो सर्किल की परिभाषा हो गई। अब आगे हम चलते हैं, रेखा और वृत्त के बीच रिलेशन क्या होता है। तो अगर हम यहां से देखें, थोड़ा सा समझिए, जैसे आपने एक किसी समतल पर एक सर्किल आपने ड्रा कर लिया, यानी कि इस प्रकार से एक सर्किल आपने खींच लिया, इसका केंद्र क्या है, वो है। कोई रेखा आपने खींचा, हो सकता है इस तरह से रेखा और वृत्त के बीच कोई रिलेशन ना हो, रेखा अलग हो, अलग हो। दूसरा आपने खींचा एक सर्किल और आपने ले लिया यहां से, इस प्रकार से एक सर्किल और आपने ले लिया, यहां से एक कोई रेखा आपने खींचा, ये कहीं से जाए, हम इससे नहीं मतलब ये सेंटर से जाए या कहीं से जाए, तो यह रेखा क्या कर रही है, यह वृत्त को, इस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक और आपने लिया, एक तीसरा यहां देखिए, हो सकता है यह रेखा इस वृत्त को केवल
एक ही बिंदु पर टच है, कहने का मतलब रेखा का पॉइंट और सर्किल का पॉइंट दोनों एक ही हो। तो इसके अतिरिक्त क्या रेखा और सर्किल के बीच और भी कोई रिलेशन हो सकता है क्या? आप जरा सोच लीजिए, क्या रेखा और सर्किल के बीच और भी कोई चौथा रिलेशन हो तो आप हमको बताइएगा, सोच करके बताइएगा। आज ही नहीं, आप वीडियो देखने के बाद सोच करके बताइएगा कि कोई सर्किल हमने लिया और कोई हमने रेखा लिया, क्या हो सकता है रेखा वृत्त को टच ही न करे, सर्किल अलग हो रेखा अलग। दूसरा हमने लिया, रेखा हो सकता है सर्किल को दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करे। और तीसरा क्या हो सकता है, रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रक्षेप करे। अगर किसी बिंदु पर प्रक्षेप नहीं करेगी तो पहला कंडीशन लागू होगा, अगर दो बिंदु पर प्रक्षेप करेगी तो दूसरा कंडीशन लागू होगा, और अगर रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रक्षेप करेगी तो तीसरा कंडीशन लागू होगा। तो यहां से हमने इस नाते ऊपर देखिए लिखा है, किसी समतल पर यदि एक वृत्त और एक रेखा खींची जाए तो निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव है। हमने इस नाते ऊपर पहले लिख दिया, चैप्टर की हेडिंग दिया है वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड ए लाइन। अगर हम यहां पे लिखे हैं किसी समतल पर यदि एक सर्किल और एक रेखा खींचे तो निम्न तीन संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तीन स्थितियां संभव हैं, चौथी स्थिति संभव नहीं है। आपके अनुसार अगर संभव होगी तो हमें बताइएगा। तो यहां से तीन स्थितियां संभव हैं, वो स्थिति क्या है जरा आप ध्यान से देखें, मैं फिर मिटा करके इसको ठीक से बता रहा हूं। याद रखिए, यहां से तीनों फिगर हमने पहले बनाया है। देखिए, पहला हमने एक सर्किल लिया, याद देखिए, कोई रेखा खींची है। दूसरा फिगर हमने लिया, यहां देखिए, ये रेखा इस सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और तीसरा हमने ले लिया, यहां से आप देखिए, यह रेखा इस सर्किल को ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, सेकंड फिगर है, और ये थर्ड फिगर है। यहां हमने लिखा है तीन स्थितियां संभव हैं, इन सबका सेंटर वो है, यहां देखिए भी लीजिए, इसका भी सेंटर वो है, इसका भी सेंटर वो है। हमने पहले आपको कहा क्या चौथी की संभावना पैदा होती, अगर चौथी होगी तो आप बताइए। तो यहां से तीन स्थितियां संभव है, अगर हम फर्स्ट यहां देखे देखें तो क्या रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती, यहां देखिए, पहला रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती। बहुत ठीक से आप ध्यान देकर के पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारा चैप्टर है।
शायद उतना आपको अर्थमेटिक में भी मजा नहीं आएगा, लेकिन पढ़ेंगे तब। तो यहां से रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा जरा फिगर आप देखिए, दूसरे कंडीशन में रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और तीसरा है रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां से तीनों कंडीशन हमने लिख दिया। तीनों कंडीशन के बारे में आपको बताया कि रेखा किसी वृत्त को कहां कैसे प्रतिच्छेद करे, सबसे पहले एक साइकिल हमने यहां लिख के बनाया है।
यदि कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदु पर प्रक्षेप करती है तो वह क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक, तो इस तरह से स्पर्श बिंदु की बात हुई, स्पर्श रेखा की बात हुई, छेदक रेखा की बात हुई। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में, दो नंबर में, कि किसी भी सर्किल पर एक बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो आपको पता है इस सर्किल को बनाने में आपने परिभाषा पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ा इसका, क्या अनंत बिंदु। तो अगर सर्किल की परिधि पर अनंत बिंदु है, ये अनंत बिंदु है, तो अनंत रेखाएं होंगी, असंख्य रेखाएं होंगी। तो यहां से अगर ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि किसी सर्किल पर एक बिंदु से कितनी रेखाएं आप खींच सकते हो, तो हम यहां से कह सकते हैं, आप इसको फिगर के माध्यम से देखें तो कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहां से किसी एक बिंदु से, पहले तो आप सर्किल बना लीजिए, ये देखिए थोड़ा बड़ा हमने सर्किल खींचा है, ये देखिए आप। अब कह रहा एक बिंदु से कितनी छेदक रेखा खींच सकते हो, हमने एक पॉइंट दे दिया, आप खींचिए ना, यहां देखिए ये हमने खींच लिया इस पॉइंट से, आप दूसरा पॉइंट लीजिए, सीधी रेखा आपको खींचनी है, यहां देखिए यहां से फिर खींचिए, ये देखिए। जब सर्किल पर अनंत बिंदु है, असंख्य बिंदु है, असंख्य बिंदुओं को मिलाने से, ये देखिए गलत थोड़ा सा हुआ, ये ही से जाएगा, परिधि से ही जाएगा, ये यहां से, ये देखिए आप खींचिए, हम इस तरह से आप लेकर के अगर खींचेंगे तो ये देखिए इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं इसी सर्किल पर, सर्किल की परिधि पर तो बहुत सारी रेखाएं होंगी। तो सर्किल पर किसी एक निश्चित बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं, असंख्य छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, अब हम इस पर चलते हैं। पहला प्रमेय देखिए, आप युग में वैसे तो पुराने युग में फिर मैं कह रहा हूं चलेंगे तो बहुत सारा प्रमेय है, लेकिन यहां पर आप युग में एनसीईआरटी है, केवल दो प्रमेय दिया है। देखिए वो दो प्रमेय क्या है, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1, देखिए लिखा क्या, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई, रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, इसका स्टेटमेंट है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब हो। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब हो। यहां देखिए समझा जाए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। आपको दिखाना क्या है, यहां देखिए इसको समझा जाए थोड़ा सा, क्या कह रहा है, लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें प्रयोग होगा तो आप जब समझेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहां देखिए एक सर्किल हमने लिया, यहां पर ये देखिए
इसका केंद्र क्या है? वो है क्या कहा? किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। हमने क्या किया? कोई यहां एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर क्या किया? एक स्पर्श रेखा खींच लिया। ठीक, देखिएगा ध्यान से क्या कहा आपसे, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त पर कोई पॉइंट हमने ले लिया, कहां पर कोई पॉइंट ले लिया, फिर क्या कहा? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमने खींच लिया। अभी आपको हमने परिभाषित किया कि अगर कोई रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी और वह बिंदु उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो यहां से ये आपका स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से यह स्पर्श बिंदु हो गया इसका, ये त्रिज्या आप सेंटर से मिला दीजिए, ये त्रिज्या है, यहां देखिए यही त्रिज्या क्या है इस स्पर्श रेखा पर लंब है, यहां से ये आपका तीर होने लगेगा। यदि आपको जो दिखाना है OA परपेंडिकुलर BD, ये आपको दिखाना है, ये प्रूफ में सिद्ध कर रहा है OA परपेंडिकुलर BD। फिगर को जरा देखिएगा, बहुत आसान है, आपके ठीक से समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। क्या दिखाना है? वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त पर कहीं पर आप कोई पॉइंट ले लीजिए, उससे आप स्पर्श रेखा कीजिए, इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींचिए, या त्रिज्या स्पर्श रेखा का लंब है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए करेंगे क्या, इस स्पर्श रेखा पर आपको पता है कोई भी अगर स्पर्श पॉइंट है तो वह स्पर्श पॉइंट वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही टच करता है, यानी वह स्पर्श रेखा उस वृत्त को अगर केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप करती है वह स्पर्श रेखा होगी और वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो यहां से हमने इसके अतिरिक्त यहां पर और सारा पॉइंट ले लिया आर, यहां से देखिए और भी पॉइंट ले लिया एस ले लिया। अब यहां से रचना के द्वारा हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ये देखिए यहां से हमने इसको मिला दिया, यहां से देखिएगा और पॉइंट आप ले लीजिए, यहां से यहां ले लीजिए, यहां से फिर आप मिला दीजिए, ये देखिए ऐसे मिला दीजिए, आप बहुत सारे पॉइंट ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं ये आर एस एन, ये सारे के सारे पॉइंट इस रेखा पर स्थित जरूर है लेकिन यह पॉइंट वृत्त की परिधि पर स्थित नहीं है। वृत्त की परिधि पर कौन सा पॉइंट स्थित है? केवल बिंदु पॉइंट ए जो कि दोनों पर स्थित है, वृत्त पर भी स्थित है और रेखा पर भी स्थित है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यहां से ये आपका जो रेडियस है यहां ओ आर से क्या होगा? कम होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं ओ ए इज लेस देन ओ आर, और ध्यान दीजिए इसी प्रकार ओ ए इज लेस देन ओ एस, ऐसे ओ ए इज लेस देन ओ एन, ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट इस रेखा पर लें क्योंकि ये सभी के सभी पॉइंट इस वृत्त पर ना होकर के केवल रेखा पर स्थित है, इसलिए यह सब के सब रेडियस से बड़े होंगे या रेडियस जो आपका OA है इन सभी रेखाओं में सबसे छोटा होगा। और नाइन्थ में आप पढ़े हैं यह किसी रेखा पर, ध्यान दीजिएगा नाइन्थ का थ्योरम है, पढ़े हैं आप यह किसी रेखा पर किसी एक बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित ना हो बहुत सारी रेखाएं खींचे तो उन सभी में लंबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो यहां आप दिखा क्या रहे हो? दिखा तो यही रहे हो OA ये आपका पॉइंट हो गया जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, उन सभी में
OA क्या है? इन सभी रेखाओं में सबसे छोटी रेखा है। और आप नाइन्थ में पढ़े हैं कि किसी रेखा पर किसी एक निश्चित बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित ना हो बहुत सारी रेखाएं खींचे तो उन सभी में लंबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो इस दशा में अगर OA OR से छोटा है, OA OS से छोटा है, OA ON से छोटा है तो आप कह सकते हैं इसका मतलब OA सबसे छोटी रेखा है। और अगर OA सबसे छोटी रेखा है तो निश्चित है उस नाइन्थ के प्रमेय के अनुसार OA PQ पर लंब होगा। तो इस प्रकार से आप यहां से कह सकते हैं। इस प्रमेय को हम लोग कल करेंगे, आज आप ठीक से समझिएगा।